भाई रियल लाइफ में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हमेशा ये मैंने हमेशा ये मान के चला हूं मैं कि आप जिस काम में भी हो उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हो ना, तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। आप भले फिल्म मेकिंग की बात कर लो, आप फार्मिंग की बात कर लो, जर्नलिज्म की बात करो, कोई भी आप क्षेत्र उठाओ, जितनी आपकी नॉलेज ज्यादा होगी उतना आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग एक फिल्म बनाते हैं तो हम लोग फिल्म में कम से कम एक साल हमारा प्रेपरेशन होता है, तैयारी होती है एक साल की, उसके बाद जाके हम एक्चुअली शूटिंग शुरू करते हैं एक साल की तैयारी के बाद। तो हर काम में एक्सपर्टीज होती है। जैसे थ्री इडियट्स में हमने बोला है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद पीछे जाएगी। तो ये चीज में मैं बहुत बिलीव करता हूँ और ये जगह ही है नॉलेज की, ये नॉलेज की जगह ही है। अमित जी, ये सब हो रहा है लेकिन महाराष्ट्र में जो किसानों की सुसाइड हो रही है जी, वो रोकने के लिए कुछ बहुत लोगों ने, बहुत सरकारों ने भी काम किया है, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने काम किया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने भी काम किया है, और ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा भी है। इसमें सोशियोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स का हाथ है। और पानी फाउंडेशन और सत्या और मेरा ख्याल ये है कि हम जितना खेती बाड़ी में इकोनॉमिकली हम फार्मर्स को ताकतवर बना पाएंगे, वो एक तरीका है कि धीरे धीरे इसमें से हम लोग निकलें। क्योंकि मेन चीज़ होती है इकोनॉमिक्स। जब आप पैसा नहीं कमा पाते हो, आपकी मेहनत जाती है, आप इतने महीने साल भर आप काम करते हो फिर आपको कमाई नहीं होती, वो उससे इतनी जो निराशा हो सकती है कि आदमी टूट सकता है। तो मैं भी ये समझ सकता हूँ। हम लोग दो तीन साल एक फिल्म पे काम करते हैं, फिर वो नहीं चलती तो हमारा दिल टूट जाता है, तो वो होता है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, जैसे जैसे हम लोग SOPs ठीक से फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस SOPs, जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो ये इस समस्या से हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जादू का कोई तरीका है। ताजा बातम्या आणि घडामोडी बघण्यासाठी महाराष्ट्र मेल या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब नक्कीच करा।